दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस टाइप के रेड टोन फोटो एडिटिंग सीखने, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ये रहा कुछ एग्जांपल फोटो बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग दिस प्रीसेट। प्रीसेट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, लेकिन इस प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और पासवर्ड आपको वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, टेक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले जाना होगा प्रोफाइल फिल्टर में, उसके बाद 3 नंबर फिल्टर को चूज कर लेंगे, ओपेसिटी को कर देंगे +130, उसके बाद जाएंगे लाइट में, एक्सपोजर को थोड़ा ज़्यादा करके +0.50, कंट्रास्ट को कम करके -50, हाईलाइट को -30, शैडो को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे +50, व्हाइटनेस को एकदम कम करके -100, ब्लैक्स को -50। इसके बाद थोड़ा कर्व को एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसके बाद चला जाएंगे कलर में, टेम को थोड़ा ज़्यादा करके +10, टीन को +16, वाइब्रेंस +16। इसके बाद मिक्स में चले जाएंगे, रेड में ह्यू +2, सैचुरेशन +2, ऑरेंज में सैचुरेशन को -14, लुमेंस +30, येलो में ह्यू को माइनस कर देंगे -100 एंड सैचुरेशन को पूरा बढ़ा के +100, ग्रीन में ह्यू को -100, सैचुरेशन को +100, एक्वा में ह्यू को -6, सैचुरेशन को +6, ब्लू में ह्यू को -100, सैचुरेशन 60, लुमिनस -20, पर्पल में सैचुरेशन को -100, मैजेंटा में भी सैचुरेशन को -100। इसके बाद जाएंगे इफेक्ट में, क्लियरिटी को थोड़ा ज़्यादा करके +20, डेहेज को +20, मैग्नेट को -14, मिड पॉइंट को -15, फेदर को +90, राउंडनेस को +80, डिटेल में जाएंगे, शार्पनिंग को थोड़ा ज़्यादा करके +20, नॉइज रिडक्शन को +15, कलर नॉइज रिडक्शन को +10,
ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपने प्रीसेट डाउनलोड कर लिए हैं तो प्रीसेट को कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। पहले प्रीसेट को लाइटरूम के अंदर ओपन कर लेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग को फोटो चाहते हैं जिसमें प्रीसेट को ऐड करने उस फोटो को खोल लेंगे। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर देंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।